325 by the Mirchi Studio Clock, 98.3 Mirchi pe Jigyasa, Ankit aur hamare saath वायरल कलाकार उज्जवल है. सो उज्जवल जैसा चैनल का नाम है वायरल कलाकार, सो ये बताओ रीसेंट टाइम में ऐसा क्या है जो वायरल है? एक्चुअली 3-4 वीडियोस मेरे बहुत ज्यादा वायरल, लाइक फौजी वाली वीडियो ने वो सारे स्टेट्स के लोगों ने डाला, अपलोड किया, 10 मिलियन व्यूज एंड तमाम बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने उसको अपलोड किया था. हरभजन सिंह ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से अपलोड किया था, तो वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ. एबीपी न्यूज और तमाम बड़े न्यूज चैनल्स में आए. और उसके बाद मैंने बिहार इश्क बेरोजगारी एक बिहार के स्टूडेंट के लोगों के ऊपर बनाई थी, वो भी बहुत वायरल. लोगों को उसके डायलॉग्स याद है. मुखर्जी नगर पे हमने बनाई, वो भी 2 मिलियन के आसपास. फिर इसके बाद इलाहाबाद पे बनाया, वो भी 2 मिलियन के आसपास. वो सारी चीजें हुई. मेरी एक फिल्म आई ब्रीद, जो जिनको राहुल के सिंह ने डायरेक्ट किया, वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसको अवार्ड मिला. ये मनोज बाजपेयी, इम्तियाज अली, महेश भट्ट, तमाम बड़े बड़े जूरियों के साथ उसका सिलेक्शन हुआ और अवार्ड मिला. सो तुम क्या कुछ अलग यहाँ बनारस में कर रहे हो, मतलब वीडियोस में क्या ऐसा कुछ अलग मसाला दे रहे हो बनारस को लेकर? इस वाले वीडियो में बना रहे हैं कि इश्क बीएचयू ऐसे एक नाम है हमारा, वो बहुत जल्द आएगा तो आप लोग जरूर देखिएगा. तो उस वीडियो में ना बनारस का भौकाल है, बनारस का फील है. जैसे बाहर से लोग बहुत सारे घूमने आते हैं सिर्फ बनारस को, तो उनके दिमाग में वो अलग चीज़ होती है. लाइक उनको घाट दिखाई देता है, उनको बहुत सारी चीज़ दिखाई देती है. लेकिन जो पढ़ने वाले लड़के आते हैं, पढ़ने वाले लड़के कभी मतलब वैसे घाट को, वैसे बनारस को फील कर ही नहीं पाते जो घूमने वाले लोग करते हैं. और स्टूडेंट की कहानी है तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो ये सब करना और कौन कर, तुम खुद लिखते हो ये सब जा करके? बहुत अफसोस के साथ ये बताना पड़ता है कि मैं लिख नहीं पाता. और बहुत खुशी से ये बताया जा सकता है कि हमारी टीम के जो लिखने वाले लोग हैं वो ऐसे अर्जुन है ना जिन्होंने मुझे तैयार किया है. लाइक जब वायरल कलाकार मैं हूँ तो सिर्फ उनके कारण हूँ. मैकेश हैं और मांझिल हैं. अच्छा ये ना होता क्या कि आपको जब आप क्रिएटिव आर्ट करते हो तो आपको रहता है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो मुझे फेमस होना है, मुझे अपना नाम कमाना है. लेकिन उन लोगों का इतनी रिसर्च के बाद, इतने मेहनत के बाद, वो फैमिली वाले हैं और उसके बीच जॉब के बीच टाइम निकाल कर काम करते हैं, लेकिन उनका नाम भी नहीं जाता. मतलब कहने का मतलब ये कि उनकी सारी मेहनत होती है और लोग सिर्फ मुझे प्यार करते हैं क्योंकि वो उनको जान नहीं पाते. मतलब तुम अर्जुन और तुम्हारे कृष्ण भी हैं कहीं, जो अपने लिए कहीं क्रेडिट नहीं मांगते तुमसे और तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं. सो उज्जवल, एक जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली और हमसे शेयर करी कि तुमको लोग अक्सर ये कहते हैं कि तुम वीडियो बनाते हो, तुम्हारे कंटेंट वायरल है, बट स्टिल लोग कहते हैं कि आप एक्टर नहीं है. Why is it so? मतलब इसमें तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा अच्छा कर लेते हैं. काफी रियलिस्टिक लगता है, नेचुरल लगता है. लोगों को ऐसा लगता है ना कि अगर मैं यूपीएससी के स्प्रिंट्स पे कोई वीडियो बना रहा हूँ तो मैं वो खुद हूँ. तो ऐसे मुझे मैसेज आते हैं कि मेरे मतलब आपके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, आप मेरे को बताओ ना यूपीएससी के लिए कौन सी बुक सबसे अच्छी रहेगी. तो मेरे को थोड़ा बुरा भी लगता है, लेकिन ठीक है, मेरा डेली रूटीन जानना होता है कि मैं कब पढ़ता हूँ, कब सोता हूँ, तो थोड़ा बुरा लगता है. लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि अच्छा अब फौजी वाली वीडियो वायरल हुई तो सब लोग जानते हैं कि मैं फौज से हूँ. तो कभी कभी बुरा भी लगता है, कभी कभी अच्छा भी लगता है कि चलो काम जिस कैरेक्टर को मैं कर रहा हूँ उस कैरेक्टर से मुझे लोग जान रहे हैं. लेकिन एट द एंड अगर मेरे को एक एक्टर के रूप में पोर्ट्रेट किया गया तो किया जाता तो मुझे ज्यादा काम मिलता. कहीं कहीं से काम फिल्में वगैरह मिलती है, लेकिन जो है सही है. चलते चलते यहाँ से क्योंकि हमारे भी चलने का वक्त हो गया है, तुम बनारस वालों को क्या कहना चाहोगे? तो ये अपने वीडियो का स्क्रिप्ट ही बताते हैं, कुछ ऐसा है कि माटी जहाँ की पारस है, शहर वो अपना बनारस है. बनारस जहाँ जिंदगी में रोमांच है, जहाँ महाकाल का भौकाल है, जहाँ शिव की डमरू की डमडमाहट से जिंदगी शुरू होती है और गंगा की चमकती दूधिया रोशनी से डीम हो जाती है. बनारस कोई कोरी कल्पना और कहानी नहीं है, बनारस हकीकत है. कुछ ऐसा ही है. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. वैसे इसके लिए मैं तुम्हारी तारीफ नहीं, उन लिखने वालों की तारीफ करूंगी. जो तुम्हारे कृष्ण है मैं उनकी तारीफ करूंगी. चलो डाटा, बाय बाय. बहुत अच्छा लगा तुम शो पर आए, बहुत सारी बातें करी. एंड फिलहाल हम कोशिश करेंगे तुम्हारा जो नाम है वायरल कलाकार वो ऐसे ही वायरल बना रहे. और फेसबुक इंस्टाग्राम पे तुम ऐसे ही चमकते रहो, यूट्यूब के तुम सिल्वर बटन होल्डर.